हे गाइस, देखो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का इमोशन होता है, ना कि कोई और। सबसे बड़ी चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आपने सही तरीके से, या आपको पता है कि नहीं मैंने ये स्टॉक को सही तरीके से रिसर्च किया, भाई गलत हो ही नहीं सकता, तो पक्का वो इंसान शेयर नहीं बेचेगा। मैं आपको बोल दूं, बॉक्स शेयर हाथवे में भी कभी कभी 50% की गिरावट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वॉरेन बफेट अपना शेयर बेच देते हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है। सही है, क्या पता होता है? इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मुझे पता है ये कंपनी जो मैं चला रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी है। तो आपको वही काम करना है स्टॉक मार्केट में जो आपको पता है। भाई आप जिस सेक्टर में, अगर मान लेते हो कि कोई ऐसा इंसान है जो लगभग मान लेते हो कि बैंकिंग सेक्टर में, वो हो सकता है कि 20 सालों से बैंक में काम कर रहा हो, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि बैंकों के कोने कोने के बारे में उसको पता है कि कौन सा मैनेजमेंट कैसे काम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सभी कुछ उसको पता होता है कि नहीं। उसी तरीके से सबका अपना अपना एक माइंड होता है। याद रखो, स्टॉक मार्केट में सारी वीडियोस तो बनाई जाती है, लेकिन खरीदना वही है जो आपको समझ में आता है, और जो समझ में नहीं आता है, आउट ऑफ माइंड है, तो मैं आपको बोलूंगा छोड़ दो उसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो लगभग केवल 1 साल में आप सोच नहीं सकते। अब ये पैनी स्टॉक्स नहीं है, लगभग 16,000% का रिटर्न दे चुका है। 16,000%, 16,000% 1 साल का। मतलब हम तो भाई चाहते हैं कि भाई 20 सालों में भी 16,000% का रिटर्न मिल जाए, या चलो 30 साल ले लो भाई, इतना बड़ा रिटर्न अगर मिल जाए तब तो समझ सकते हो ना, बहुत बड़ी चीज़ है। आपने जो चाहा वो हो गया, मतलब समझो। और ये कंपनी लगभग पावर सेक्टर में काम कर रही है, और अभी इतनी बड़ी खबर आई है, मैं क्या बोलूं। मतलब टेस्ला जैसी कंपनी, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, कितनी इकोनॉमिक मजबूत है वहां की, आप GDP सब कुछ देख सकते हो वहां। वो और हुंडई, मतलब जितने भी भारत देश में बड़ी बड़ी कंपनी, सबको पछाड़ दिया है। और वर्ल्ड का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट भी है और फास्ट भी है, इतना फास्ट चार्जिंग करने वाला ला दिया कि मिनटों में अपना कार चार्ज करके लेकर जा सकते हो। देखो भाई, एक पेट्रोल डालने में, एक कार में पेट्रोल डालने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। अगर कार में हो सकता है 5 मिनट के आसपास टाइम लग जाए, या 2-3 मिनट लग जाता होगा जनरली, है कि नहीं। लोगों को पता है भाई, 10 लोग लाइन में खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा। अगर एक कार चार्ज करने में कम से कम अगर आपको 15 मिनट भी लगता है, सोच लो, एक 15 मिनट भी लगता है। अब मान लेते हैं कि 10 लोग वहां पर हैं, लाइन में खड़े हैं। अब मान लेते हैं कि भाई चार्जिंग स्टेशन में हो सकता है कि 4-5 चार्जिंग करने वाले होंगे, हो सकता है कि 10 होंगे भाई, लेकिन फिर भी अगर 3 या 4 लोग भी हैं तो आपका टाइम मुझे लगता है कि आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो है वो 50 मिनट्स लेगा, और खुद का भी तो चार्ज करना है ना, तो खुद का भी कार लेगा आपको 15 मिनट्स। मतलब आपको आधा घंटा, मतलब हाफ एन आवर वहां पर ही आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं है। आजकल के डेट में क्या करते हैं लोग, पेट्रोल लिए फुर सुन लेके लोग चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपके कार को मिनटों में चार्ज कर देता है तो कितनी अच्छा लगेगा भाई। 2-4 मिनट की बात है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप भी वहाँ पर ही जाओगे, है कि नहीं। और आप भी चाहोगे कि नहीं भाई वही कार अच्छा है, आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ बचेगा वहाँ पर। तो एक कंपनी है जहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आई है आज, ई कार मार्केट में। यहाँ पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर ABB, ये हमारे भारत देश में लगभग 2-3 कंपनी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो ABB है ना, ये हमारे भारत देश का कंपनी नहीं है, बाहर का कंपनी है। इसके बारे में मैंने आपको एक बार बताया भी था, है कि नहीं। ABB लॉन्चेस वर्ल्ड फास्टेस्ट चार्जर, मतलब सोच सकते हो, मतलब वर्ल्ड का जो टेस्ला, आप सोच सकते हो टेस्ला वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग के मामले में बहुत आगे है। आप सोच सकते हो टेस्ला के पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन उसको भी इस कंपनी ने पछाड़ दिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, टेस्ला का नाम भी यहाँ पर आपको आ जाएगा। अब टेस्ला बार बार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई अगर मान लेते हैं कि जो चीज़ नंबर 1 पे है, अगर उसको किसी ने पछाड़ दिया, तो उसके बारे में तो बताना तो बनता है ना उसके बारे में। जो कंपनी थी उनको लगता था कि भाई, कंपनी को ऐसा लगता था कि मतलब जो ई चार्जिंग बिजनेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। और याद रखो, जहाँ ज़्यादा डिमांड होता है प्रोडक्ट भी वहाँ पर ही बनाना चाहिए। जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, उस चीज़ की अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, मतलब आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब यहाँ पर कंपनी बता रही है कि इसने जो है लगभग 30 सितंबर आपको डेट है पहले, और जो लॉन्च किया फास्टेस्ट चार्जिंग, उसके बारे में बताया जा रहा है। बूमिंग डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स मेड बाई, देख सकते हो, टेस्ला, जो कि टेस्ला तो टेस्ला ही है, हुंडई, हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो, हुंडई करके होगा, सही है, हुंडई। तो और भी बहुत सारे मतलब देखने को मिल जाएंगे, तो ये सारे बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे थे। तो इसके बारे में देखो, आजकल के डेट में क्या है ना कि कार, सभी को कार चाहिए, अफोर्डेबल कार चाहिए। तो जो कंपनी है, अभी देखो होता क्या है कि मदरसन सुमी एक अकेली कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा ओरिजिनल कंपोनेंट बना के देती थी ऑटो सेक्टर को। ऑटो सेक्टर कंपनी बहुत है, लगभग 10-15 ऑटो सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसको कंपोनेंट वाले कंपनी एक ही दो, मतलब 2-3 है जो अच्छे कंपोनेंट के लिए काम कर रहे, 2-3। मतलब ऑटो सेक्टर जब कंपनी काम करती है तो लगभग आप सोचते हो कि हाँ, टाटा मोटर तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई, महिंद्रा महिंद्रा तो बहुत बड़ी कंपनी है देखने को मिल जाएगा, आयशा मोटर तो बहुत बड़ी कंपनी है, अशोक लेलैंड तो बहुत सारी, ये मतलब मैं बोलूंगा 10-15 कंपनी है, लेकिन यहां पर जो इसके पार्ट्स बनाने वाले हैं, मतलब 2-4 ही कंपनियां। अब बताओ इनको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे मदरसन सुमी का एग्जांपल बोलूं, सबके लिए कंपनी काम करती है, इसके लिए सबके लिए काम करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप कार किसी भी कंपनी का खरीदो चलेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
है कि नहीं है। लेकिन आप चार्ज करने तो वहां पर ही जाओगे ना, जो सबसे ज्यादा मतलब बहुत कम समय में आपका कार को चार्ज कर दे आप वहां पर ही जाओगे ना। तो इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब नीड्स, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है फाइनली। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक कार्स की जो सेल है ना वो भी लगभग जो है बढ़ चुकी है कितना भाई 140% के आसपास। तो 3 मंथ में लगभग देखो इलेक्ट्रिक कार्स का भी अभी जो है डिमांड बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट भी सब्सिडीज दे रही है कि भाई नहीं इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो कि मतलब डिमांड में लाओ, किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबका मानना है। तो यहाँ पर लगभग जो है पिछले यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 मंथ में लगभग जो है 140% का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और हर साल होता जा रहा है अभी। और वो कंपनी बोल रही है कि लगभग जो है 3 मिनट के अंदर जो है जो कार चार्ज होगा वो लगभग जो है 100 किलोमीटर तक चलेगा, 100 किलोमीटर तक। अब चाहे जो भी है भाई अच्छा है, 100 किलोमीटर भी अगर लोग जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा और इम्प्रूव ही किया जाएगा धीरे धीरे। पहले मोबाइल क्या होता था, पहले एक नॉर्मल मोबाइल होता था जिसमें केवल आप कॉल ही कर सकते थे, फिर क्या होता था अलार्म लगाया जाता था, फिर और भी कैमरा लाया गया। आजकल के डेट में एंड्रॉइड फोन आ चुका था, वो क्या होता था इनोवेशन, धीरे 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 उसी चीज़ को मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब क्या किया गया, डेवलप किया गया। उसी तरीके से अभी जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में। इसी चीज़ को अपग्रेड कर दिया जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल है अपडेट होता रहता है हर महीने या 2 महीने में, सेम उसी तरीके से। तो देखो ये एबीबी पावर कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इसी कंपनी ने लगभग जो है 16,000% का रिटर्न दिया। हालांकि इस कंपनी को बेनिफिट होगा बोलना मुश्किल है क्योंकि बाहर की कंपनी है, तो किस कंपनी को बेनिफिट होगा एक्चुअल 100% बोलना मुझे मुश्किल है इस वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये लगभग जो 15 रुपये से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं 15 रुपये से ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था 2020 में और अभी देख सकते हैं लगभग 2,441 रुपीज़ तक ये जा चुका है। मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी और बहुत अच्छी देखने को मिल रही है 16,000% का रिटर्न। और आजकल का डेट में तो देखो आप आराम से माल खरीद सकते हो बेच सकते हो 1 महीने में, देखो इतनी ज़्यादा मतलब वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है पिछले 1 साल में देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा जो है वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और ये कंपनी को अगर यहाँ देखते हैं तो बताया जा रहा एक्वाइजेशन ऑफ 80.1% स्टेक इन द ग्लोबल पावर ग्राइड बिजनेस ऑफ एबीबी लिमिटेड आपको बताया जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से एक्वायर करके रखा गया है। अब ये जो कंपनी है ना ये लगभग हाई वोल्टेज प्रोडक्ट बनाती है, हाई वोल्टेज प्रोडक्ट। अब आप सोच सकते हो हाई वोल्टेज प्रोडक्ट का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेज़ी से स्टोर करके रखा जाता होगा, मतलब जो हाई वोल्टेज जो आते हैं वहाँ पर स्टोर करने के लिए जो जगह बनाया जाता है, मतलब वहाँ से जो जाती है इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है क्योंकि कंपनी इसके बारे में हमने बहुत बहुत बार तो डिस्कस नहीं किया। हालांकि उतनी बड़ी भी कंपनी नहीं है, केवल 10,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। टाटा से भी बड़ी कंपनी नहीं है यहाँ पर, जो टाटा पावर है उससे भी छोटी कंपनी है। इसी वजह से ये सारी चीज़ों की वजह से मैं आपको बोलूँगा कि ये जो ई चार्जिंग वाले सिस्टम है आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ही देगा। तो टाटा ग्रुप ने भी बता रखा, जैसे कि हम टाटा पावर की बात करते हैं तो बता रखा कि लगभग 2025 तक हम लगभग जो है 60% जो है पूरी कंपनी को हम क्या कर देंगे, मतलब कि एक तरीके से हम क्या करेंगे जो भी हम पोल्यूशन वगैरह करते हैं उसको हटा देंगे, पूरी तरीके से हम इसको जो है ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। और 2030 तक बताया गया कि 80% अपनी कंपनी को जो है लगभग चेंज कर देंगे। तो ये इनका एक टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करते करते इन्होंने खुद ही टारगेट दिया 5 साल में 10 साल में। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई 2-4 दिन में ही चाहते हैं, तो 2-4 दिन में नहीं होगा, मुझे लगता है लंबे समय तक आपको रुकना पड़ सकता है। और ये जो एबीबी कंपनी है मैं आपको बोलूँगा ये लगभग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है, बहुत बड़ी। इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा स्विट्जरलैंड में है, मतलब बाहर देश की कंपनी है। तो इसके बारे में बहुत कमी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पूछो क्यों, क्योंकि 2 साल पहले ही कंपनी आई है। और कंपनी को आने की वजह से मैं आपको बोलूँगा इसका जो प्रॉफिट है 2 साल का वो भी नॉर्मल है, मैं आपको बोलूँगा बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। इसलिए मैं आपको मतलब डायरेक्ट मैं आपको बोलूँगा देखो हो सकता है तो बहुत जल्दी 3,000 के आसपास जाते हुए नजर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिसके बारे में आप सही तरीके से जानते हो। अगर इस कंपनी से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन टाटा पावर के बारे में है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जहां पर आपको सही नॉलेज है उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो चार्जिंग वगैरह का सिस्टम है तो आपको पता ही होगा कि भारत देश में भाई टाटा भी पीछे नहीं रहने वाला किसी भी चीज में, है कि नहीं। तो किसी भी चीज़ में टाटा आज तक पीछे है क्या, उसको अगर मैं आपको बता दूं तो 20-30 तो केवल मेन कंपनी है, उनको लगभग जो है 80 तो केवल सब्सिडीज कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा मिला के टोटल। तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी उनके बारे में, किस चीज़ के बारे में प्रोडक्ट नहीं बनाती है टाटा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा जिस पे ज़्यादा भरोसा हो आपको देखने में, क्योंकि इसका डेटा भी लगभग पिछले 5 या 10 सालों का अवेलेबल नहीं है, ये लगभग बहुत बड़ी कंपनी से बिलोंग करती है। इस वजह से भारत देश में आते आते इसने जो है बहुत बड़ा जो है मैं आपको बोलूँगा अचीवमेंट बहुत कम समय में हासिल कर लिया, बस उतना ही। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE, BSE, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह है ना बहुत छोटे, भाई डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में ही है, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है वो भी इंटरनेट में जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल वन बन चुका, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला यहाँ पर, सही है। आप और आपका पैसा दोनों यहाँ पर सेफ रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।